हाय गाइस, मैं हूँ रोशी। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशीज कॉर्नर पर, जहाँ हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की, कुकिंग की और डीआईवाईज की, क्योंकि यह है मॉम्स चैनल। आज का वीडियो हमारा फूड सेगमेंट से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं उड़द धुली दाल कैसे बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने दाल ले ली है। अब हम इसे धो के भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। ये मैंने दाल धो के रख दी है। अब जब तक हमारी दाल भीगती है, तब तक हम अपना तड़के के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। प्याज को मैंने छील के काट रही हूँ। इसके बाद मैं लहसुन और हरी मिर्च को भी काट के रख लूँगी। इसमें लहसुन ज़रा अच्छी मात्रा में आप डालिए। अब मैंने गैस पर कुकर को रख दिया है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। ये देखिए, मैंने दाल को डाल दिया है कुकर में। अब हम दाल में उतना ही पानी डालेंगे जितना कि दाल जो हमारी है वो पानी में डिप हो जाए। हमें ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है और ना ही कम डालना है। सिर्फ उतना पानी डालिए जितने में आपकी दाल डिप हो जाए। ये देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। ये मैंने आधा चम्मच के लगभग हींग डाल दी है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। ये मैंने हल्दी डाल दी है। और इसके बाद हम नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डाल सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हमने कुकर को बंद कर दिया है और एक विसल आने तक हम इसको गैस पे ही रखेंगे। और विसल आने के बाद हम थोड़ी देर सिम करके गैस पे रखेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई में तड़का डाल दिया है। इसमें मैं घी डाला। घी के बाद मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसे रख दिया है ब्राउन होने के लिए। और ये मेरा मसाला लगभग भुन चुका है। अब मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद बाकी के सूखे मसाले भी हम डाल लेंगे। कसूरी मेथी के बाद मैंने डाला है जीरा। ये देखिए, उसके बाद आप डालिए लाल मिर्च। इसमें मैं थोड़ी लाल मिर्च जो है तेज़ ही रखती हूँ, थोड़ा तीखा तड़का अच्छा लगता है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है, जिससे कि थोड़ा सा तड़के का रंग आ जाए। उसके बाद हम इसमें तड़के के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ये मैंने डाल दिया है तड़के के लिए नमक। और अब हम इसे हिला लेंगे अच्छी तरह से। प्याज को आप ज़्यादा ब्राउन भी मत कीजिए, और सिम गैस पे अगर भूनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइट ब्राउन ही रहे प्याज तो बहुत अच्छा है। अब तड़के को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये देखिए, अब तड़के ने घी छोड़ दिया है। अब हमारा ये तड़का लगभग तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम तड़के को एक साइड रख के अब अपनी डिश लेंगे, जिसमें हमें अपनी दाल को सर्व करना है। कुकर खोल के दाल का एक एक दाना अलग होना चाहिए और वो अच्छी तरह गली हुई भी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने दाल को डाल दिया है। देखिए, एक एक दाना है इस दाल का। उसके बाद हमने इसके ऊपर अपना जो हमने तड़का प्रिपेयर किया था वो लेके हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे तड़के को। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें तड़के में अदरक भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मेरे बच्चे अदरक नहीं खाते हैं इसलिए मैं नहीं डालती। अब ये हमारी दाल तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कभी सो फ्रेंड्स,
ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।